दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि क्लेट की परीक्षा क्या होती है। दोस्तों क्लेट की परीक्षा को इस देश की एक सर्वोच्च और कठिन परीक्षा में से एक माना जाता है। वह इसलिए क्योंकि इसी परीक्षा को पास करके ही लोग कानून की डिग्री लेते हैं और देश के सभी मामलों को निपटाने और न्याय व्यवस्था को चलाने का काम करते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि यदि किसी व्यक्ति को वकील बनना है या कानून की डिग्री लेनी है तो उसके लिए उसे पहले क्लेट की परीक्षा देनी होगी और उसके बाद ही उसका लॉ यूनिवर्सिटी में चयन हो पाएगा। तो इस देश में कुल 22 सरकारी लॉ यूनिवर्सिटी है जहाँ पर कानून की पढ़ाई करवाई जाती है और LLB की डिग्री दी जाती है। इसी डिग्री के तहत ही कोई व्यक्ति कोर्ट में वकालत कर सकता है और किसी का केस लड़ सकता है। तो यदि आप क्लेट की परीक्षा के बारे में जानने को यहाँ आए हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो हम आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं और इस वीडियो को देखकर आपको क्लेट परीक्षा क्या है और इसमें कैसे आयोजित किया था इसके बारे में सब जानकारी हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं क्लेट की परीक्षा क्या है। सबसे पहले बात करते हैं क्लेट परीक्षा के बारे में या फिर क्लेट एग्जाम क्या होता है इसके बारे में। तो यहाँ हम आपको यह पहले बता दें कि क्लेट की परीक्षा पूर्ण रूप से कानून से जुड़ी हुई है और इसके तहत कानून की डिग्री ली जाती है। कहने का मतलब यह हुआ कि किस प्रकार आप इंजीनियर बनने की ओर बीटेक करते हैं और उसके लिए IIT की परीक्षा देते हैं, डॉक्टर बनने के लिए MBBS करते हैं तो उसके लिए नीट का एग्जाम देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी को वकील बनना है तो उसके लिए उसे क्लेट की परीक्षा देनी होगी और LLB की पढ़ाई करनी होगी। तो यहाँ आप ये मत समझिए कि यदि आपने क्लेट की परीक्षा दे दी और उसमें पास हो गए तो मतलब आप वकील बन गए। दरअसल यह वकील बनने के लिए LLB की डिग्री में प्रवेश पाने की एक परीक्षा होती है। अब यदि आपको वकील बनना है तो उसके लिए आपके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए। LLB की डिग्री होने के लिए पहले उसकी पढ़ाई करनी होगी और उसकी पढ़ाई करने के लिए आपको किसी लॉ कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाना होगा। अब लॉ यूनिवर्सिटी में प्रवेश पाना है और वो भी सरकारी, तो उसके लिए आपको क्लेट की परीक्षा देनी होगी। तो यदि आप क्लेट की परीक्षा देंगे और उसे पास कर लेंगे तभी आपका देश की लॉ यूनिवर्सिटी में चयन हो पाएगा और आप अपनी LLB की पढ़ाई पूरी करके वकील बन पाएंगे। आप चाहें तो किसी निजी लॉ यूनिवर्सिटी या कॉलेज से भी पढ़ाई करके LLB की डिग्री कर सकते हैं। हालांकि कई निजी लॉ कॉलेज में भी क्लेट की परीक्षा के अंक मांगे जाते हैं। अब बात करें क्लेट की परीक्षा के प्रकार। दोस्तों आपको मैंने ये नहीं बताया क्लेट की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों क्लेट की फुल फॉर्म होती है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। अब बात कर रहे हैं क्लेट की परीक्षा के प्रकार। दोस्तों जब आपने यह जान लिया कि क्लेट की परीक्षा क्या होती है उसके प्रकारों का भी जान लेना जरूरी हो जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि आप क्लेट की परीक्षा देने जाएंगे तो वहाँ आपकी पढ़ाई के हिसाब से दो तरह की परीक्षा में से एक का चयन करने को कहा जाएगा। तो देश भर में क्लेट की परीक्षा को दो बार आयोजित करवाया जाता है और उसके तहत अलग अलग क्षेत्रों में प्रवेश लिया जाता है। तो ये दोनों इस प्रकार हैं। सबसे पहली है क्लेट अंडर ग्रेजुएशन परीक्षा। इस तरह की परीक्षा को व्यक्ति अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद दे सकता है तो आप वह अपना भविष्य कानून की डिग्री लेकर आजमा सके। तो यदि कोई व्यक्ति अपनी स्नातक की डिग्री कानून में लेना चाहता है तो उसके लिए उसे क्लेट की UG परीक्षा को देना होगा। इसमें पास होने के बाद उसे अपनी मनचाही डिग्री के साथ LLB की डिग्री करनी होती है जो कि एक मिला हुआ कोर्स होता है। इसके तहत वह BA LLB, PBA LLB, BSc LLB, BCOM LLB इत्यादि कुछ भी कर सकता है। हालांकि ज्यादातर छात्र BA के साथ LLB करने का विकल्प चुनते हैं और यही सही भी रहता है। तो क्लेट UG की परीक्षा को पास करने के बाद आपका देश की किसी एक लॉ यूनिवर्सिटी में चयन हो जाएगा और आप वहाँ से कानून की डिग्री लेकर बाहर आएंगे। अब बात करें क्लेट पोस्ट ग्रेजुएशन परीक्षा। यदि आपने BA BCOM या कोई अन्य डिग्री किसी सामान्य कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पूरी कर ली और आप LLB करने के इच्छुक हैं तो इसके लिए आपको क्लेट की पोस्ट ग्रेजुएशन वाली परीक्षा में बैठना होगा। कहने का मतलब यह होगा कि इसके तहत आप कानून की उच्च स्नातक वाली डिग्री ले लेंगे तो आपने जो भी पहले वाले कोर्स के नाम सुने थे उसी में ही उच्च कोर्स आपको करना होगा और उसी के साथ LLB की डिग्री लेनी होगी। इसमें जो जो कोर्स आपको मिलेंगे वह होंगे MLLB, MCOM LLB, MSLLB इत्यादि, जो इस तरह किसी भी कोर्स में आप प्रवेश ले सकते हैं। लेकिन वह आपकी स्नातक की डिग्री और क्लेट PG की परीक्षा में आए अंकों पर भी निर्भर करेगा। क्लेट की परीक्षा को पास करने के बाद आपको किसी लॉ कॉलेज से आपकी अपनी कानून की डिग्री पूरी करनी होगी। बात करें क्लेट की परीक्षा में बैठने के लिए आयु सीमा। दोस्तों क्लेट की परीक्षा में बैठने के लिए आयु सीमा की बात करें तो इसमें आपकी आयु सीमा कोई भी आयु सीमा निर्धारित नहीं है। बस आप जो है 12th पास होना चाहिए। अगर आप UG के लिए डाल लें, PG के लिए डाल लें तो आपके अंडर ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए। अब बात करें इसके लिए क्या पात्रता है। दोस्तों इसमें आयु की तो कोई सीमा नहीं होती, वो तो मैं आपको बता चुका हूँ, और ना ही आपको कुछ और करने की जरूरत होती। बस आपको अपनी 12वीं कक्षा को अच्छे अंकों से पास करना होता है। यदि आप सोच रहे हैं कि आपके पास 12वीं में किसी स्पेसिफिक स्ट्रीम का होना जरूरी तो आप गलत हैं। आप अपनी 11वीं और 12वीं कक्षा को किसी भी स्ट्रीम के साथ पास करें, चाहे वो 800 अकाउंट से मेडिकल है या नॉन मेडिकल या कुछ और। बस आपके 45% से कम नंबर नहीं होने चाहिए 12वीं परीक्षा में, तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करें इसके परीक्षा पैटर्न की, क्लेट के परीक्षा पैटर्न की। अब हम बात करें क्लेट की परीक्षा में पूछे जाने वाले सिलेबस की या उसके पैटर्न की। तो यहाँ आपको बता दें क्लेट की परीक्षा वर्ष में एक बार आयोजित करवाई जाती है और उसके जरिए देश की सभी लॉ यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित किया जाता है। ये परीक्षा केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित कराए थे, जो यूनिवर्सिटी मिलती है वह भी केंद्र सरकार के ही अधीन होती है। तो इसके लिए एक अधिसूचना जारी की जाती है जो नए सत्र के शुरू होने से कुछ महीने पहले निकलती है। इसके बाद सभी छात्रों को इसके लिए फॉर्म भरना होता है और अपना आवेदन जमा करवा देना होता है। इसके बाद जिसने क्लेट परीक्षा के लिए आवेदन भरा है उसे सरकार क्लेट परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी करती है। इस प्रवेश पत्र में उस छात्र का नाम, रोल नंबर, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, परीक्षा की तिथि व समय स्थान आदि की जानकारी निहित होती है। उस छात्र को क्लेट की परीक्षा देने के लिए सही समय और स्थान पर पहुंच जाना होता है और परीक्षा को देना होता है। परीक्षा को देने के बाद कुछ दिनों में उसका परिणाम घोषित किया जाता है। इस परिणाम से यह पता चलता है कौन सा छात्र क्लेट की परीक्षा में पास हुआ और कौन फेल। तो जो भी छात्र पास हुए उन्हें देश की विभिन्न लॉ यूनिवर्सिटी में विभिन्न कोर्स में प्रवेश दे दिया जाता है। उसके बाद वे छात्र
वहाँ अपनी LLB की पढ़ाई पूरी करते हैं और उसके बाद उन्हें कानून की डिग्री लेकर बाहर ही आते हैं। अब बात करें क्लेट परीक्षा का सिलेबस की। क्लेट की परीक्षा में किस तरह का सिलेबस आता है या किन विषयों पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में भी तो जानना बहुत जरूरी हो जाता है। यदि आपको क्लेट परीक्षा का सिलेबस नहीं पता होगा तो फिर आप इसकी तैयारी कैसे कर पाएंगे। तो इसके सिलेबस में भी कोई ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है और आमतौर पर वही सिलेबस होता है जो उन्हें सरकारी नौकरियों में पूछा जाता है। हालांकि क्लेट की परीक्षा में कानून से जुड़े प्रश्न भी मुख्य रूप से पूछे जाते हैं। तो इसमें 200 प्रश्न पूछे जाते हैं जिन्हें करने के लिए 2 घंटे का समय मिलता है, अर्थात कुल 120 मिनट का समय 200 प्रश्नों को उत्तर देने के लिए। इसी के साथ यह प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं जिसमें हम अंग्रेजी में MCQ कह देते हैं। तो इसमें जिन जिन विषयों के प्रश्न जाते हैं वो इस प्रकार से, जैसे कानून है, सामान्य ज्ञान है, गणित है, तार्किक क्षमता, अंग्रेजी। कानून को छोड़कर बाकी के 4 विषय तो लगभग हर सरकारी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। अब चूंकि क्लेट की परीक्षा कानून से संबंधित हो गई तो इसमें वह विषय भी जोड़ा जा गया है। आपको क्लेट की परीक्षा में कानून से संबंधित 50% मिल जाएंगे जिन पर आपसे सवाल जवाब किया जाएगा। इसलिए आप कानून की पढ़ाई को मजबूत रखेंगे तो बेहतर रहेगा। बात करें इसकी परीक्षा देने के लिए योग्यता। दोस्तों आपको बता चुके हैं, आप UG के लिए परीक्षा दे रहे हैं, आपको 12th पास होना चाहिए। PG के लिए दे रहे हैं तो आप UG कोर्स करे होने चाहिए, BA, BSc, BCom कुछ भी करना चाहिए, तभी आप इस परीक्षा में बैठ सकते हैं। बात करें क्लेट परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करें। दोस्तों इसके लिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्लेट की परीक्षा के लिए आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से की जाती है। बस के समय जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया तो क्लेट की परीक्षा के लिए आवेदन करने वाला भी काम तो ऑनलाइन होगा। तो इसके लिए बस आपको इस पर नजर बनाए रखनी है, तब भारत सरकार जब भी क्लेट परीक्षा करवाने की जरूरत करती है आपको बस फॉर्म भर देना है। अब बात करें इसकी फीस के लिए। तो दोस्तों अब यदि हम क्लेट की परीक्षा को देने के लिए लगने वाली फीस की बात करें तो इसमें सरकार ने आरक्षित वर्ग को बहुत सहूलियत दी है। अब यदि आप सामान्य वर्ग से हैं तो आपको ज्यादा पैसा चुकाना होगा, आरक्षित वर्ग से हैं तो कम पैसे। तो यदि आप सामान्य वर्ग में आते हैं तो आपको क्लेट की परीक्षा के लिए 4,000 रुपये की फीस जमा करवानी होगी, वही आरक्षित वर्ग के छात्रों को 3,000 रुपये जमा करवाने होंगे। अब बात करें क्लेट की परीक्षा के बाद आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या काम मिल जाएंगे। जैसे आपको मैं बता चुका हूँ कि क्लेट परीक्षा करने के बाद आपको कोई जॉब नहीं मिलने वाली, इसके जरिए यह एक कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट है, ये लॉ के लिए एडमिशन टेस्ट है। इससे पास करने के बाद आप किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, जैसे BLLB में ले सकते हैं, BBLLB में ले सकते हैं, MLLB में ले सकते हैं, ऐसे ही इत्यादि कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों देश की टॉप लॉ यूनिवर्सिटीज पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, उन्हें आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और दोस्तों और आपके मैंने अब भी इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो भी हुआ मैंने आपको सब कुछ इस वीडियो के अंदर बता दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस जरूर करते हैं। दोस्तों मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद।